सरकार बनाइए, ये नफरत का बाजार बंद कर दीजिए। बहुत हुआ, अब जनता को इन्हें बख्श देना चाहिए। भाई अब हमें माफ करो, अपने घरों में बैठो, दस साल आपने पूरी तरह हमें खून के आंसू रहे हैं। इतनी महंगाई है, चरम सीमा पे महंगाई पहुंच गई है, इतनी बेरोजगारी है, हर गरीब मोहल्ले में बेरोजगारों की पढ़े लिखे की फौज खड़ी हुई है, और घर में हमारी माताएं बहनें कितनी मुश्किल से अपनी रसोई चला रही हैं, कितनी मुश्किल से बच्चों की पढ़ाई हो रही है, कितनी मुश्किल से इलाज हो रहा है। मैं दो तीन शब्दों में अपनी बात को रखना चाहूंगी बस, कि हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस के जो गारंटी के हमारे पॉइंट्स हैं उनको चौधरी महेंद्र प्रताप जी संसद में बैठ के पूरा करवाएंगे, और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनको पूरा करवाएंगे। हर शिक्षित जो डिग्री होल्डर होगा उसको पहले साल में 1,00,000 रुपए की अप्रेंटिसशिप सुनिश्चित की जाएगी। हर गरीब परिवार को गंभीर बीमारी के लिए 25,00,000 रुपए इलाज के लिए मिलेंगे। किसानों का कर्जा माफी होगा। गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला होगी हर साल 1,00,000 रुपया उसको दिया जाएगा। हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री हो दी जाएगी, और फैमिली आईडी प्रॉपर्टी आईडी जो सारा इन्होंने गलत बना दिया है वो हमारी सरकार आएगी हरियाणा में तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। जो बुढ़ापा पेंशन या बीपीएल कार्ड कटे हैं उनको दोबारा बहाल किया जाएगा, और ये तो 250-250 बढ़ा के अब 10 साल में 3,000 किए हैं। हमारी सरकार आएगी, एक मुश्त 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन आप लोगों को मिलेगी। जनता परिवर्तन की दिशा में बढ़ रही है, इनके झूठे वादों को वो समझ चुकी है। जनता वास्तविक मुद्दों के आधार पर वोट देगी, जनता करप्शन के खिलाफ वोट देगी, इनकी जनता बेरोजगारी के जो आज बढ़ रही है उसके खिलाफ वोट देगी, जनता डेवलपमेंट के लिए वोट देगी, जनता जो है अमन चैन के लिए, भाईचारे के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए वोट देगी, और राष्ट्र के कल्याण के लिए वोट देगी। इसलिए भैया परिवर्तन की लहर चल रही है, और जनता कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बना रही है। ये 400 पार नहीं, मैं यही बता दूँ, सवाल करेगा तुम कि ये 400 पार के नारे 200 से पार ये करेंगे आप देखते रहेंगे। क्या लग रहा है? देखिए सुनिए, भागी पहले भी नहीं थी, उनकी खुश फहमी थी, उनके जुमले इनका स्टाइल है कि जो जनता को एक भयभीत करके प्रभावित करें। पहले भी ये खुद से बहुत क्या याद कीजिए कि जनता ने ये था, मैं तो जो है टिकट के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन जनता में कुदरती था कि वे महेंद्र प्रताप आ गया तो वे टक्करें हरा देगा, एक धारणा थी। और भाई अगर नहीं आया तो अलग बात है, तो टिकट का फैसला होते ही इन्होंने भयभीत होना शुरू कर दिया था। और आज जिस तेजी से जन भावना सामने आ रही है तो अंडर करंट है कांग्रेस के हक में और इनके विरुद्ध, इसलिए वो भयभीत है। कांग्रेस के खिलाफ कहनी तो है ही क्या, इनके पास इनके खिलाफ सारा कुछ है कि नाश कर दिया सारे सिस्टम का, आ गए सारी चीज़ को, यार एक वादा पूरा नहीं, गारंटी की गारंटी है, लोगों को बहकाना, जुमले बाजे, यही सरकारें हुआ करती हैं भैया। ये अब कहने को तैयार नहीं, अगर जनता घड़ी और तेजी से, भी तो 10-15 दिन पड़े हैं, इतना ही कोई मैदान चुनाव आगे लगे।